NII 8.5% बढ़ेगा, करीब 1685 करोड़ हमारा अनुमान है। मुनाफा 490 करोड़ के आसपास आएगा, जहाँ पे करीब 22% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं कि यहाँ पे स्लिपेजेस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है, और प्रोविजनिंग जो है वो भी इस कंपनी की काफ़ी बढ़ के आएगी, और उसका असर शायद आपको इस कंपनी के बॉटम लाइन में देखने मिल सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्लैट रहेंगे, ग्रॉस NPS नेट NPS वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने जो क्वार्टरली अपडेट दिया था, डिसबर्समेंट में 7% की बढ़ोतरी थी, बिजनेस एसेट्स में 25% की बढ़ोतरी हुई थी, और कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 98% के आसपास रही थी। तो ये तो ठीक थे, लेकिन मुनाफा जो है गिरेगा, स्लिपेजेस और प्रोविजनिंग के आंकड़ों पर रखेगा नजर। स्लिपेजेस प्रोविजनिंग दोनों आंकड़ों पर रखेंगे नजर, मुनाफा थोड़ा कमजोर आ सकता है। एक बार चार्ट पर भी राय लेते हैं, जैसे जय जरा देखें M&M फाइनेंस का चार्ट आज एकदम फ्लैट है नंबर से पहले, कोई राय इस पर? पर देखिए, जहां तक दीप मैं कहूंगा कि M&M फाइनेंस का सवाल है, स्टॉक में अभी तक का जो मूव हमें देखने मिला है, मैं कहूंगा कि एकदम एक अच्छा मूव ऑलरेडी हमें आते हुए देखने मिला है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा दीप मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद एक मूव के बाद, उसमें से ब्रेकआउट अभी आने को है। ऑन दी अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 290 के जो लेवल्स है 290 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो निकालता है तो आप मान सकते हैं कि ब्रेकआउट ये स्टॉक में आ सकता है, अदरवाइज इट कैन जस्ट कंसोलिडेट विद इन 260-290। ये 30 पॉइंट की एक बड़ी रेंज है जिसमें एक अच्छी तेजी के बाद ये स्टॉक नो अब अटका हुआ है। सो ये रेंज में से ब्रेकआउट नेसेसरी है, ओनली अबाउट 290 मैं कहूँगा कि इसमें कोई बुलिश व्यू ले सकते हैं। ओके, तो यह है आपके M&M फाइनेंस, जहां पर आपको एक